भारत सरकार द्वारा लक्ष्य अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत प्रसूति महिलाओं को अस्पतालों में शासन द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का आकलन किया जाता है और उसके आधार पर रेटिंग प्रदान की जाती है। भारत सरकार के लक्ष्य अभियान की टीम लेडी एल्गिन हॉस्पिटल पहुंची। यहां पर उसने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लक्ष्य अभियान के अंतर्गत प्रसूति कक्ष और प्रसूति ऑपरेशन थिएटर को आधुनिक किया गया। यह नहीं, उनकी जांच भी की जाती है, साथ ही में उसी के आधार पर रेटिंग प्राप्त होती है। लेडी एल्गिन हॉस्पिटल को पहले भी कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। लेडी एल्गिन हॉस्पिटल पहुंची टीम ने प्रसूति कक्ष और प्रसूति ऑपरेशन कक्ष का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को देखकर संतोष व्यक्त किया। उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर लेडी एल्गिन हॉस्पिटल नई उपलब्धियां हासिल करेगा। भारत शासन का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है लक्ष्य कार्यक्रम। इसका लक्ष्य वास्तव में ये है कि जो गर्भवती स्त्रियों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए ऑपरेशन थिएटर और प्रसव कक्ष, इन दो स्थानों का उन्नयीकरण किया जाना था और इसके लिए शासन ने कुछ मापदंड निर्धारित किए थे। उन मापदंडों के आधार पर प्रसव कक्ष और जो शल्यागार है ओटी, इसको विकसित करना होता है और इसके लिए सरकार ने ये भी शुरू किया कि एक कार्यक्रम किया लक्ष्य, जिसमें जो संस्थाएं, एक उनके मापदंड हैं, करीब करीब 400 के आसपास मापदंड होते हैं, उनके मापदंड पूरे हुए कि नहीं इस बारे में समय समय पर असेसमेंट या निरीक्षण करती हैं टीम आके, और जो संस्थाएं 70% अंक से ज़्यादा प्राप्त करती हैं, तीन स्तरों पे इसका निरीक्षण होता है। एक को हम इंटरनल असेसमेंट बोलते हैं, एक को हम लोग पीयर असेसमेंट या स्टेट असेसमेंट बोलते हैं, और एक होता है नेशनल असेसमेंट। 70% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाली संस्थाओं को लक्ष्य सर्टिफाइड घोषित करते हैं और उसमें एक अतिरिक्त राशि बेड संख्या के आधार पर उस संस्था को दी जाती है, जिससे उस संस्था का और ज़्यादा उन्नयीकरण किया जा सके। नाम बताइए। डॉक्टर संजय मिश्रा, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर संभाग। जैसे कि अभी आपको बताया गया कि लक्ष्य असेसमेंट के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा भेजा गया है इसमें। लक्ष्य का एक्चुअली में यही है कि लक्ष्य प्रोग्राम जो भारत सरकार द्वारा बनाया गया है उसमें लेबर रूम और प्रसव कक्ष और एक ओटी, ये दो लोगों का, दो जगह का हमको उन्नयीकरण के लिए मापदंड अनुसार उनको विकसित करना रहता है। तो ये एल्गिन हॉस्पिटल पहले से ही लक्ष्य सर्टिफाइड है, जिसको सस्टेन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट वापस से असेसमेंट के लिए भेजती है कि क्या वो अभी भी इसी स्तर पर मेंटेन है कि नहीं है। उसके लिए असेसमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एक्सटर्नल असेसर के रूप में मैं आया हूँ और अभी मैं यही चीज़ देख रहा हूँ। हालाँकि मेरे देखने के दौरान काफ़ी अच्छा स्टाफ, ट्रेंड स्टाफ है, बहुत अंदर दर्जे की साफ सफाई व्यवस्था, तो सारी चीज़ें हैं और पूरे डेडिकेशन के साथ यहाँ के स्टाफ काम कर रहे हैं और कुछ ग्लूकोज, थोड़ी बहुत माइनर से ग्लूकोज करके मुझे नज़र आए, अदरवाइज बहुत मेजर इशू मुझे नहीं समझ में आया। डॉक्टर धीरज यादव, स्टेट असिस्टेंट। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।